जलील कहीं के कुत्ते कमीने जलीस, तुम्हारे मुंह से चुसनी नहीं निकली है लग रहा। 3 साल में तुम अपने भाई को खा गई हो, तुम कितनी कमीनी हो गई हो। अपनी लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज संभाल लेना। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो कोई व्लॉग नहीं है और कोई ऐसा भी इंफॉर्मेटिव वीडियो नहीं जिससे आपको कोई फ़ायदा हो। जी जी। लेकिन ये हमारा जो वीडियो है ये हमारे रिलेटिव भी देखते हैं जी, और आप सब लोग भी देखते हैं जहाँ तक हमारी बात पहुँचती है। तो कुछ पर्सनल इशूज़ कुछ हुए हैं हमारे साथ जो हम आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। कुछ धमकियाँ भी दी गई हैं हमें जी, काफ़ी बदतमीज़ियाँ की गई हैं हमारे साथ। तो वो सारी एक एक करके हमें अपने सभी लोगों को बताना तो मुश्किल है क्योंकि बात एक को बताएंगे दूसरे को काफी लोगों को बतानी पड़ेगी, काफ़ी टाइम लग जाएगा जी। तो ये एक ज़रिया है काफ़ी आसान हमारे पास, जिस ज़रिए से जो हमारे रिलेटिव्स हैं जी वहाँ तक ये बात पहुँच जाएगी। बिल्कुल। और जो कुछ हमको मारने की धमकी दी गई है, टुकड़े टुकड़े कर देंगे एक तरह से, डायरेक्टली फ़ोन करते ही बिना कोई बातचीत करे या कुछ हमसे बिना पूछे, हमारा कोई ओपिनियन लिए बगैर हमको डायरेक्टली एक टारगेट करके हमारे ऊपर इतना ज़्यादा फोर्स करके हमें धमकी दी गई है। साथ ही साथ ये वीडियो ज़रूरी इसलिए भी है दोस्तों ताकि एक प्रूफ के तौर पे भी आप इसको देख सकें, क्योंकि बात जब आप दूसरों से सुनते हैं तो कुछ अलग भी हो जाती हैं आप तक पहुंचते पहुंचते, और जब आप रिकॉर्डिंग के साथ उन लोगों की आवाज़ें सुनेंगे जो बहुत ही निचले स्तर की लैंग्वेज को यूज़ करते हुए आपको नज़र आएंगे रिकॉर्डिंग में, तो वो भी इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। तो इससे फ़ायदा ये है कि सच बात आप तक पहुँचेगी, और एज सच कोई मैटर यहाँ पे हुआ नहीं है हमारी तरफ से। रिलेटिव्स जो यहाँ पे आपको नज़र आएंगे उनके साथ कोई हमारी पर्सनल दुश्मनी एज सच नहीं है, बट उनकी तरफ से जो कुछ भी कहा गया हमको आज सुबह की बात है वो सब कुछ आपको यहाँ पे सुनने को मिलेगा। और यहाँ पे मैं आपको उनका अकाउंट वगैरह सब कुछ दिखा दूंगा, तो इनसे बच करके रहिएगा और बीच बीच में अपनी टिप्पणी भी ऐड करते रहेंगे। हाँ भाई, जो कुछ भी हुआ है तो शेयर करेंगे, क्या कुछ हमने बात करी हो सारी चीज़ें आपको बताएंगे, सुन पाएंगे। रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको टोटल 3 लोगों की आवाज़ें सुनाई देंगी जो उधर से हमसे फ़ोन पे बात करते हुए नज़र आएंगे आपको। और ये जो लोग हैं ये कुर्सी के रहने वाले हैं, लखनऊ के पास एक जगह पड़ती है कुर्सी, वहाँ के रहने वाले ये लोग हैं। हमारे रिश्तेदारी में थोड़े से दूर के आते हैं, कोई ऐसे बहुत सगे नहीं है, बट जिस तरीके से इन लोगों ने लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, कोई सगा नहीं करेगा, कोई दूर वाला भी आपसे ऐसी बात नहीं करेगा, इवन कोई गैर आदमी भी आपसे फ़ोन पर इस तरीके की धमकी भरी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करेगा जो इन लोगों ने करी है। तो सबसे पहले जो शख्स है उनका नाम है तमीम, इनका फ़ोन आता है हमारे पास सुबह के 10 बज रहे होंगे लगभग, और इन्होंने क्या कुछ कहा है वो रिकॉर्डिंग मैं यहाँ पे प्ले करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले शख्स का नाम है तमीम, आइए इनकी रिकॉर्डिंग की तरफ चलते हैं। बोल लीजिए आप, पहले बोल लीजिए। हाँ बोल लीजिए आप, बताओ तुम बोलो। आप लोग बहुत दीनदार है ना, बोल लीजिए जरा। दीनदार साले, तुमने हमको बेदीन बना दिया, जलील कहीं के कुत्ते कमीने जलील, पता नहीं कहाँ हमारी बहन तुमसे लोगों से जो है आपने कोई बात हमसे पूछी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ पूछा आपने? क्या पूछे तुमसे, क्या पूछे तुम आप हक की बात, आप हक की बात कर रहे हैं ना? अबे हक की बात क्या करें, तेरे भाई ने क्यों जाओ मेरी बहन के ऊपर चढ़ाएगी, उसका क्या मामला था? 1 मिनट रुक जाइए आप, पहले तो तुम क्या करोगे? आपने हमसे कोई बात करी, कोई मुताल्लिक कुछ पूछा आपने हमसे? आप तो एक तरफ का सुन के कुछ भी मुंह में आ रहा है बोले चले जा रहे हमसे बिना पूछे आपने कोई भी फैसला ले लिया? हमसे बिना पूछे आपने क्या बात हुई है क्या नहीं हुई, आप उधर से तो बोले चले जा रहे हैं। हम तुमसे क्या पूछे, आपको तो पता चलना चाहिए ना हमारी तरफ से क्या बात हुई है, आपको भी तो पता चलेगा। हम सब कुछ बर्दाश्त करते चले आ रहे हैं, हम कुछ नहीं सुन रहे हैं, हम सब कुछ देखते चले आ रहे हैं, हम ऑफिस में निकलते चले जा रहे हैं, चलो होगा 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 होगा, इसी तरीके से गुजर जाए गुजर जाए। देखिए आपको समझ लो, तुम हमारी बात को आज समझ लो, ये आखिरी बात हम तुमसे कर रहे हैं, अगर खुदा न खासा आज के बाद शादेव या तुम्हारा चचा और तुम्हारी बहन ये जो है अगर तेरे इनके साथ ही मामले में अगर जिद खत्म कर दी की तो खुदा पास करता हूँ भाई, हम आएंगे समझ लेना। देखिए याद तो देखिए आप हमारी बात सुनेंगे अगर तब तो हम आपको पूरी बात बताएंगे, अगर आप सुनना नहीं चाहते तो कोई जरूरत नहीं है।
फिर आपको जो समझ में आए आप कर लीजिएगा, हम भी यहीं बैठे हैं। अगर आपको मेरी बात सुननी है तब तो ठीक है। देखिए ये बात हुई थी, वहाँ पे मामू साहब तो हमारे हैं नहीं। आपके लफ्ज दायरे में रहे, नंगा और खुले की बात मत करिएगा। लफ्ज आप लोग गंदे बोल रहे हो, हम कोई गंदे लफ्ज नहीं बोल रहे हैं। तुम्हारे मुंह से चुसनी नहीं निकली है लग रहा। नहीं, हम कोई नंगे और कोई ऐसे लैंग्वेज नहीं बोल रहे हैं। अपनी लैंग्वेज देख रहे हैं आप लोग, अपनी लैंग्वेज को दायरे में रखिए। नंगा और खुले की बात कर रहे हैं, हम कोई नंगे की बात नहीं कर रहे। आपके लफ्ज को वापसी पहुँचा रहे हैं की आप क्या बोल रहे हो। सही कह रही। अगर तुम ऐसा हो जाए तो ये यहाँ के ऊपर हमको लाके खड़ा ना करते। हमने आपको खड़े नहीं किया, आप तो जबरदस्ती कह रहे हो। हमने आप लोगों को किसी तरीके कुछ खड़ा ही नहीं किया है। हमने आपको बीच में ना ही बदतमीजी करी, ना आपसे कुछ कहा है। आप जबरदस्ती अपने ऊपर मोरीदे इल्जाम हो रहे हो। हम आपको बिल्कुल इन्वॉल्व कर ही नहीं रहे, किसी सूरत नहीं कर रहे। क्या हुआ है, ये क्यों चिल्ला रहे हैं? अपने अंदर अपने आप से जैसे लेके बैठो, अपने आप का अपने से मुखातिब करके पूछो कि क्यों चिल्ला रहे हैं। आपका छोटा भाई जिस तरीके से बात कर रहा था उसकी बात का जवाब दे रहे हैं। गलत इल्जाम मत लगाइए। जो मुद्दा है मुद्दे पे बात करिए, मुद्दे से हटके बात करिएगा तो लैंग्वेज खराब होगी। कैसे करें? आपका भाई किस तरह से बात कर रहा है? अम्मा की चुल्लू में और तुम्हारा ये है चुल्लू पुल्लू की बात कर रहा है, गंदी लगी बात कर रहा था। देखो हम बहुत कोई बात ऐसी नहीं करे तमीम भाई, हम आपसे कोई लैंग्वेज खराब नहीं कर रहे हैं। आपकी पूरी बात सुन रहे हैं और आप भी हमारी समझिए तो शायद कोई मसला नहीं बिगड़े। हर बात को ठंडे से समझना चाहिए। कोई बात ऐसी नहीं है जिस बिना कोई इतना तवील किया जा रहा है। ना कोई मुद्दा है ना कोई मसला है। बात अगर होती तो आप हमसे पहले पूछते तो हम आपको बताते पूरी बात। बात होने से पहले आपने कहा कि काट दूंगा कतले, हम सब लोग मिलके बोटी कर दूंगा। ये सब तो आपने शुरुआत करी है, शुरुआत तो आपने करी बोटी कर दूंगा, काट डालूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। आपने कुछ पूछा ही नहीं, बगैर पूछे आप काटना फाटना करने लगे। जब आपने शुरुआत करी तब तो जाहिर है हम तो बोलेंगे कुछ। आपने शुरुआत में हमारे लड़के से यही कहा बोटी काट दूंगा, खाट दूंगा, वहां पहुंच जाऊंगा, तुम लोग कैसे उठा लूंगा, ये सब लैंग्वेज होती है। ये बात को सुनना है कैसे पहले आप ये बोलने लगे। इसके बैकग्राउंड में जाओ, इसके बैकग्राउंड शुरुआत में ऐसे नहीं करना चाहिए। पहले आप सुनते तो पूरी बात। अरे तो आप पूरी बात सुनेंगे या उधर से बोलना शुरू कर देंगे? पहले बात को सुनते, उसके जुमलों के ऊपर गौर पीछे जाके तो देखो। अरे हम क्या रहे, कुछ भी बात थी, आपने जब फोन किया था। अरे आप हमसे पूछेंगे या नहीं पूछेंगे उधर से शुरू कर देंगे जो मुंह में आएगा। उसके बाद काटते खाटते और फांसी लगाते। पहले आपका फर्ज था कि आप बड़े बनके पूरी बात सुनते तो शायद आपसे। आपने सुना नहीं, सुनने से पहले बोटी काट दूंगा, खान दूंगा, सब वहां पहुंचूंगा और बताऊंगा तुम लोगों ने क्या किया है। ये कोई मसलों का सुना है? ये तो बात को पहले सुनिए। हाँ, अगर सुनने के बाद कोई उल्टी सीधी बात होती तब आप वापसी में जुमलेबाजी करते। बात तो सुन चुके थे, बात नहीं तो आपने मेरी कोई बात नहीं सुनी। आपने उनसे सुना था, आपने शादाब से नहीं सुना था। बात इतनी है, बात इतनी है कि आज ये छलक गया, ये जो बर्दाश्त नहीं करता क्यों छलकने से पहले आप पहले उस मुद्दे को सुन ले। दो तीन दिन पहले जो कुछ तो आपको तो गलत बयानी पहुंचती रही, आपने कभी टच नहीं किया। ये 30 साल था, ये मुस्तकिल गलत बयान ही। अरे वो तो भाई का मसला था, भाई से हमसे क्या मतलब था? गलत बयानी हो रही है। हाँ, गलत बयानी तो आपने भाई की सुनिए, गलत बयानी थी तो आपने भाई के टुकड़े क्यों नहीं कर दिए? आपका तो फायदा उठाया है बहुत, लेकिन खूब हर चीज होती है। ये सब 30 साल का बवाल है मेरे लड़के के साथ निकाला जा रहा है, उसको तुम इनकार नहीं कर सकते। अगर ये 30 साल का बवाल आप निकाल लेते तो आप पहले बताते तो हम अपने लड़के को आपकी भांजी का फंसाते नहीं। अगर आप 30 साल का गुबार हमारे ऊपर निकाल रहे हो तो आप ये पहले बताते। तो हम सब मिलकर हम तो इसकी इस वक्त में हम तो पीछे छोड़ते चले गए। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना, उन्होंने उधर से कहा कि दिल्ली दूर नहीं है, हम साथ हैं और हमें दिल्ली पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा जी, और हम टुकड़े कर देंगे। जबकि मेरा कहने का मकसद ये था कि पहले आप बात तो हमसे पूछिए कि क्या बात है, किस मुतालिक आप ऐसी बात कर रहे हैं। जबकि बात बहुत छोटी सी नॉर्मल बात है, कोई ऐसी बात नहीं है कि हमने किसी को गाली दे दी हो, किसी को हमने जलील कर दिया हो, जबकि हमारे साथ कुछ बदतमीजी हुई। जी जी, उसका तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। लेकिन बस उसके अलावा सीधा ये हमको धमकी दे रहे हैं। देखिए, बात सिर्फ सच और झूठ की थी, जो एक सिंपल से फैमिली मैटर पे हम लोगों ने जस्ट अपनी राय रखी थी कि बात सच की होनी चाहिए और जो सच है उस पर आप कायम रहें, बात से पलटे ना। एक नॉर्मल सी बात, नॉर्मल बात है, तो उस पर हम लोगों ने सच का साथ दिया था और वहाँ से ये जो लोग हैं ये हम लोगों से एंटी हुए जी। हाँ। और नेक्स्ट डे इनका कॉल आता है, जब अभी हम यूपी गए हैं, आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा, खैराबाद में हम लोग रुके थे, तो जस्ट वहाँ पे एक नॉर्मल से मैटर पे बात हुई थी, फैमिली मैटर, कोई इसमें गुस्सा गर्मी वाली बात नहीं। घर में फैमिली मैटर, सबके घर में फैमिली मैटर होते हैं, उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप इतना। और इस शख्स ने लैंग्वेज बगैर हम लोगों से कोई बातचीत करे, मैटर को सुने, अपनी एक राय कायम कर ली
और उधर से कुछ ना कुछ बकना शुरू कर दिया, वो आप लोगों ने सुन लिया है। तो ये थे पहले शख्स जिनका नाम था तमीम। अब नेक्स्ट जो शख्स यहाँ पे इन्वॉल्व होने जा रहा है उसका नाम है भाई, इनके दूसरे भाई, छोटे भाई हैं इनके, हाँ जी, नाम जामी है, उनका नाम है दोस्तों जामी। टोटल 7 ब्रदर्स हैं, उनमें से अभी 3 लोगों से ही हमारी फ़ोन पे बात हुई है। अगर फ्यूचर में कुछ भी होता है सारी चीज़ें आपको इस व्लॉग चैनल पे देखने को मिल जाएंगी, बिकॉज ये मामला बहुत ही सीरियस है, हम लोगों की जिंदगियों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे धमकी दी गई है हमको मारने काटने की, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। अगर ये धमकियाँ हमको ना मिलती तो शायद ये फैमिली मैटर हम वीडियो पे ना लाते। ये बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई थी और कुछ पार्ट यहाँ पर रिकॉर्ड हम कर ना सके, बिकॉज उस बंदे ने फोन ऑन होते ही उधर से बहुत खराब लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था, हमें पता ही नहीं था। हम तो नॉर्मल सही बात हमें लगा उधर से फोन आया, खैरियत की बात होगी, फिर नॉर्मल बात होगी। उन्होंने एकदम से शुरू कर दिया, तो उन्होंने तमीम जी ने शुरू किया था सीधा, उन्होंने जी मारने की बात करने शुरू कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, बोटियां बोटियां नोच लेंगे, जी जी सीधा शुरू कर दिया। अब जो आप दोस्तों नेक्स्ट शख्स की आवाज़ सुनने जा रहे हैं, उनका नाम है दोस्तों जामी, ये इनके दूसरे भाई हैं, छोटे भाई हैं इनके तमीम साहब के। अब इन्होंने तो उससे भी ज़्यादा आगे नेक्स्ट लेवल की लैंग्वेज इस्तेमाल करी है, जो शायद हमने कहीं भी नहीं सुनी थी अभी तक, आपको सुनाते हैं। और बहुत अफसोस के साथ मैं ये वीडियो दोस्तों बना रहा हूँ, ये हमारी फैमिली का मैटर था और बहुत मजबूर मैं यहाँ पर हूँ, वरना इस तरह की चीज़ें आपको इस चैनल पे कभी देखने को नहीं मिली हैं। ये चैनल हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ चैनल है, जो कुछ हम अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंसेस करते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं, तो ज़िंदगी का हिस्सा ये भी बन गया, इसलिए इस वीडियो को हम आपके सामने रख रहे हैं। किसने जश्न मनाया है? और बताओ, अपने शौहर के मरने पे खुशी मनाई है? और बताओ, ऐसे तक बताया है लोगों ने? नहीं तो किसने कहा है? आपके जो आप ये बात कर रहे हैं, हम लोगों को गुस्सा आपने देखा, जो आप ये बात कर रहे हैं, तो अच्छे भाई ने भी क्या कहा कि 30 साल का जो भी वो था उसका ये छल गया है, ये बर्दाश्त के बाहर हो गया। आज तक 31 साल में कभी किसी सास मामू की, 3 खालाओं की किसी की बात आपने सुनी? आज तक 31 साल में 1993 थे, आज 2024 चल रहा है, आज तक आप ये बता दीजिए, आज तक एक भी आवाज आपने सुनी हम लोगों की? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि पिछले 30 साल से मेरा क्या लेना देना है? अरे फिर वही बात तो आ गई, जिस घर में आप आ रहे हैं, जिस जगह पर आप फैसला कर रहे हैं, आपके चचा के घर का क्या ताल्लुक है मेरे भाई? अब वो वहाँ बोलने वाले कौन होते हैं? आपका भाई कौन होता है? उस बेवकूफ से बोलने आप इसका भी जवाब दीजिए। उसने ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं जिसमें ऐसा कुछ मसला हो जाए। अपनी बारी में उसने कुछ नहीं कहा, हम लोग बोले हम लोग बदतमीजी कर रहे हैं, ये कौन सी? बिल्कुल गलत, उसने कुछ नहीं कहा। देखिए सुनिए, मारने काटने की बात आप कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। अच्छे भाई ने क्या कहा कि 30 साल तक आज तक कुछ नहीं बोला गया, और जो भी आप बोल रहे हैं ना सब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज तक कुछ भी नहीं बताया गया, कुछ भी नहीं बताया गया। कोई बात नहीं, आपने जो भी इतना बोला है ना सब मैंने रिकॉर्ड किया है, सब कुछ सब बात तुम्हारी ठीक है। जो भी आपने मुझे बोला है ना, मारना काटना जो कुछ भी बोला है सब मैंने रिकॉर्ड किया है। उसने बोला है जो बोला है आपने, आपके जो भाई थे दूसरे तमीम, उन्होंने फोन शुरू करते ही मेरी बात बिना सुने सीधा मारना काटना बोटियां नोच लेंगे सब बोला उन्होंने। आपने एक तरफ की बात सुन ली, मेरी कुछ भी नहीं सुनी, और फोन मेरे उठते ही मुझसे बात करते ही सीधा मारना काटना बोटियां नोच लेंगे सब बोलना शुरू कर दिया। ये कौन सा तरीका है बात करने का? ये दीन कहता है जब तुम्हारी सना मम्मी ने जब ये तक कह दिया कि तुम्हारी अम्मी चादान के मरने पे जश्न मनाया, तो तुम उनकी बात कैसे मान करके बाजी को कैसे दलील कर सकते? मैंने किसी की कोई बात नहीं मानी, मैंने कोई बात किसी की नहीं मानी। कैसे मानी? कैसे उन्होंने ये बात कह दी कि शादी बदतमीजी कर रहे थे, उनके चचा जो थे वो भी हमसे वो कर रहे थे, तो आप लोग क्यों कर रहे थे? मैंने किसी की कोई बात नहीं मानी, आप सुन तो लीजिए ना, आप सुन ही नहीं रहे भाई। जब मेरे सामने बात हुई है, उन्होंने कहा था आधा हम दे देंगे, तो उन्होंने मना कर देती, वो तभी मना कर देती। फिर वही बात, उन्होंने कहा ही नहीं कि हमने कहा है, तो बाकी सारे झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब मैं भी झूठा हो गया। जब आप एक बात वही बात कह रहे तुमसे, जब तुम सना मम्मी की बात मान रहे हो। मैं नहीं मान रहा उनकी बात यार, मैं कहाँ मान रहा हूँ उनकी बात? कैसे नहीं, कैसे बगैर माने इतनी बात कैसे हो गई? आप कोई बात तो ईमान नहीं ला रहे हो, हर बात को नफाई कर। जब हमने आज तक हम लोग जानते ही नहीं है कुछ, जब ये बताओ जब नबीला का बाप नहीं है, उसका चचा नहीं है, उसका बाप नहीं है, जब उसके लिए कुछ होगा तो हम उसके मामू लोग बोलेंगे नहीं? ये बताओ, बिल्कुल बोलेंगे, बोल सकते हैं तो हम उसके मामू लोग नहीं बोलेंगे? देखिए बिल्कुल बोलेंगे, लेकिन दोनों तरफ सुनेंगे और मारकाट की बात नहीं करेंगे। ये बात जो भी हुई गुस्से गर्मी में मान लो हो गई, ये अलग बात होगी, अलग बात नहीं हुई है, बहुत बड़ी बात हो गई है।
अगर आप बोलेंगे तो आप हक बात बोलेंगे, गलत बात नहीं बोलेंगे। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे गलत बोलेंगे, लेकिन मार काट की बात आप बिना सुने करेंगे तो बिल्कुल गलत है। फिर वही बात, जब आप हम लोगों की सुनोगे, हम आपसे सवाल कर रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हो। मैं आपको हर बात का जवाब दे रहा हूँ, आप सुनना नहीं चाहते हैं। मैं आपकी बोल रही है सब झूठ, बाजी झूठ बोल रही है। राकेश ने कोई बदतमीजी नहीं की, भाई ने हमारी कोई बदतमीजी नहीं की, जब आप कैसे मान लें? यहाँ ये नबीला को जो है शाहदेव ने मारा है। आप बताओ है क्या 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 कमरा भाई, मम्मी से बताओ। अगर आप नाम ही नहीं बता सकते तो आप झूठ बोल रहे हैं। हमारी अम्मी है हम लोगों के साथ, हमारे अब्बा हम लोगों के साथ नहीं है। 8 साल पहले वो दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, तब हम लोग बहुत छोटे थे। अगर आप हमारे मेन चैनल टेक थेरेपी पे जाके देखेंगे तो वीडियोस 8 साल पुरानी आपको वहां पर नजर आएंगी, जहां पे हम लोग बहुत छोटे हैं। मैं तो उस टाइम 8th या 9th स्टैंडर्ड में था। वहां से हमारी अम्मी ने हमारे घर को बहुत बढ़िया तरीके से संभाला और यहाँ पे ला करके खड़ा किया है कि आज हम लोग इस काबिल हैं कि आपके सामने वीडियो बना पा रहे हैं। और शायद ये बात उन लोगों के हजम नहीं होती है जिन लोगों ने हम लोगों से फोन पे बदतमीजियां करी हैं। ये बात उनके गले से नीचे नहीं उतर रही थी कि हम लोग कामयाब कैसे हो रहे हैं, जिंदगी में आगे कैसे बढ़ रहे हैं। और ये चीजें फैमिली में दोस्तों कॉमन है, लेकिन जब बात इतनी आगे बढ़ जाए, भाई उनकी बात से ये लग रहा है कि वो चाह रहे हैं कि हम अपनी अम्मी को छोड़ दें। वृद्ध आश्रम होता है ना जी, वृद्ध आश्रम में जाके जी छोड़ दें ये चाहते हैं। तो ये जामी साहब जो है, ऐसा हमारी जिंदगी में तो होने वाला बिल्कुल नहीं होगा। हमारी जिंदगी में तो ये होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। और आपकी जिंदगी में भी ऐसा दोस्तों नहीं होता। आपके भी आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, आप उनके साथ ही तो रहेंगे या आप उनको छोड़ आएंगे? उनको छोड़ देंगे आप। इस ऑडियो के अंदर दोस्तों आपको हमारी अम्मी की भी आवाज़ सुनाई देती है, इन लोगों की तरफ से जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, तो किसी भी नॉर्मल इंसान को गुस्सा आएगा। और ये कॉमन सी बात है, जाहिर सी बात है कि आप आग बबूला तो होंगे जब आपके ऊपर गलत कोई उंगली उठाएगा। और झूठे एलिगेंस, सब झूठे। 30 साल 31 साल पुरानी बातचीत वो आदमी कर रहा है आपके घर में जी, 30 साल 31 साल पुरानी आप बात कर रहे हैं। उस टाइम हम लोग की उम्र भी नहीं, आपके घर में जी, घर के अंदर 30 साल 31 साल पुरानी कोई बात है तो उससे मेरा क्या लेना देना है? मेरा तो कोई मुद्दा ही नहीं है जी। तो आप वो सारे बवाल आप मुझको क्यों सुना रहे हैं जी? और जिसकी आप बात कर रहे हैं वो भी इस दुनिया में नहीं है जी, हैं जी, वो भी इस दुनिया में नहीं है, तो आप इस तरह की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे दोस्तों हमारी अम्मी बात को संभालती हुई भी आपको नजर आई कि अम्मी ने पूरी कोशिश की कि बात ना बिगड़े उनकी तरफ से। हालांकि पूरा ये प्लानिंग के तौर पे प्लानिंग कॉल की गई थी कि रिश्ता किसी तरीके से खत्म हो जाए, उनका मकसद नहीं हमारी तरफ से कोई ऐसी बात हो जो पकड़ ली जाए। हालांकि हमने कोई पॉइंट दिया ही नहीं, हम लोग ना पहले कुछ अभी कैसे किया ना आगे कभी करेंगे, हमारी परवरिश ही नहीं है। नहीं हमारी उस तरह की जबान का इस्तेमाल बैड लैंग्वेज हम नहीं यूज करते, हमारे माँ बाप ने ऐसी परवरिश नहीं करी, सिखाई है, सिखाई है, बिल्कुल ऐसी परवरिश। यहाँ पे हमारी अम्मी ने दोस्तों बात को संभालने भी की भी कोशिश करी कि बात ना बिगड़े, आप बात को समझें, अम्मी यही कहती हुई नजर आएंगी आपको कि आप पहले बात समझिए, उसके बाद अपनी कोई एक राय कायम करिए, उसके बाद जो भी आपको उल्टा सीधा कहना है आप कह सकते हैं, आप आज़ाद हैं, लेकिन पहले बात को तो समझिए आप, बगैर बात को समझे जस्ट कॉल लगाते हैं और फिर अपनी कुछ भी लैंग्वेज आप बोलना शुरू कर एक तरह से हमें हैरेस करने की कोशिश कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। और ये थे दोस्तों तमीम और जामी साहब। तो ये जो दो लोग हैं दोस्तों, इसके बाद इनके तीसरे भाई शामिल होते हैं इस कॉन्वर्जेशन में, जिनका नाम है मोनिस जमीर। ये मोनिस जमीर हैं दोस्तों, इनके एक और भाई हैं, वैसे टोटल 7 हैं, इसमें से 3 लोगों से ही हमारी बात हुई है, तो बाकी भाइयों को हम कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं। इनका फ़ोन आता है और एक के बाद एक भाई यहाँ पर शामिल होता है इस कॉन्वर्जेशन में। ये लोग ये समझते हैं कि हमारी तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है, तो इनको दबा लिया जाए, इनको आप कुछ भी कह लीजिए और ये लोग डर जाएंगे। देखिए सच कभी डरता नहीं है, सच को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, झूठ हमेशा झुंड में मिलेगा आपको, सच अकेला अकेला रहता है, ये हकीकत है दुनिया की। तो यहाँ पे अम्मी ने पूरी कोशिश की, हालांकि ये बात आगे बढ़ती चली गई और इन लोगों ने बात को बनाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, इनका मकसद ही यही था कि बात को बिगाड़ा जाए। प्लानिंग के तहत ये कॉल हमको किया गया था और हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, कोई अंदाज़ा ही नहीं था, इतनी ख़राब जबान का ये लोग इस्तेमाल करेंगे। तो जब ये तीसरा कॉल आया ना जी, उसके बाद से चीज़ें ज़्यादा बिगड़ गई हैं जी। ये जो तीसरा मोनिस, ये जो हमने नाम आपको बताया मोनिस जमीर, हालांकि जमीर ये बहुत पहले ही अपना बेच चुके हैं, इससे आपको आगे अंदाज़ा हो जाएगा जिस तरह की जबान बहुत इन्होंने खराब लैंग्वेज हमारी माँ के लिए यूज हमारी है। इनका टारगेट था हमारी अम्मी के ऊपर, बाकी पूरा टारगेट इनका दो भाई थे, उन लोगों ने बीच बीच में कभी जलते हैं हमारी माँ से। लेकिन ये जो तीसरा शख्स है, ये साफ जाहिर होता है कि इसके दिल में बहुत जलन और हसद है हमारी अम्मी के लिए खास तौर पे, और इसने बहुत कुछ कहा है हमारी अम्मी को। और मैं यहाँ पे उसको इनकी प्रोफाइल भी आप देख लीजिए, आपको इनकी फेसबुक प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल पे एक्टिव रहते हैं जी। मैं आपको दोस्तों प्रोफाइल शो कर रहा हूँ, प्रोफाइल की फोटो भी आप लोग देख सकते हैं। इनका नाम है दोस्तों मोनिस जमीर, और ये जो प्रोफाइल है इस पर आप देख सकते हैं ये बहुत एक्टिव रहते हैं, और इन्होंने जो एक मुखौटा पहना हुआ है
सफाई का वो खुल गया इस रिकॉर्डिंग के अंदर। तो मेरी आप सभी से ये भी रिक्वेस्ट है कि इन लोगों से अपनी जो ताल्लुक़ है उसको ख़त्म कर लें और दूरी अख्तियार कर लें, बिकॉज ये लोग बहुत ज़्यादा ख़राब ज़बान का इस्तेमाल करते हैं और बहुत ख़तरनाक लोग हैं। आप बात कर रहे हैं तो आप दोनों बातें सुने ना, दो लोगों के बीच बात हुई, आप तीसरे एंटर तो चलिए कर रहे हैं। चलिए दोस्तों एक बार आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। मोनिस ज़मीन ने क्या कुछ कहा यहाँ पे आप एक बार सुन लीजिए, उसके बाद आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और हम खैरियत है? हाँ खैरियत है, खैरियत। तुम बताओ पहले। अब क्या बताएं, इतना सब कुछ तो आप लोगों ने कह ही दिया उधर से मारने काटने की। कहने वाले की कहा कुछ, कहा ना, किया कुछ है ना कहा कुछ है। मारने काटने की धमकी दे दी। कमीनेपन पे उतर आओगे तो कुछ बोलना तो पड़ेगा ही। मारने काटने की आप लोग धमकी दे रहे हैं, सारे इंतहा खत्म किए दे रहे हो। मारने काटने की आप लोग धमकी दे रहे हैं बोटियां नोचने की, बिना कुछ बात, बिना कोई बात पूछे। आंखों में आंसू आएंगे तो हम कर कुछ भी सकते हैं। अभी तुमने तो शराफत देखी, अभी गुंडा ही नहीं देखी। तो आप गुंडा बंद कर लीजिए, आप कर लीजिए गुंडा बंद, देख लेंगे हम भी। आपको जब बात पूरी पता नहीं करनी है। सबसे पहली बात, अगर तुम्हारी अम्मा का दूध छूट गया तो अपनी अम्मा का साथ छोड़ दो। लैंग्वेज देखो, लैंग्वेज देखो, लैंग्वेज देखो। आप अभी लैंग्वेज देख रहे हैं? तुम्हारे चाचा ने जो बदतमीजी की, मेरे चाचा ने कोई बदतमीजी नहीं करी है। जवाब देंगे सोच लेना, तुम लोग ने जो कमीनापन क्या बदतमीजी करी है। कैसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं आप? सुनिए मामू, इस चीज से हमारे हमारे हमारा घर खत्म होगा। तो खत्म हो जाएगा। अरे मामू कैसी आप लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं? बर्दाश्त से बाहर हो गया है। ये सारी बात आपकी आवाज ना सब रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, सब सब रिकॉर्ड हो रहा है। ये जो गाली दे रहे हो ना तुम, ये जो मेरी माँ को गाली बक रहे हो, ये सब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रिकॉर्ड करते रहिए, जितनी करनी करनी कर लीजिए। जितनी भी आपने गालियाँ बकी है मेरी माँ को, सब रिकॉर्ड हो रहा है, चिंता ना करो तुम, चिंता ना करो, सब रिकॉर्ड हो रहा है। अभी गाली बकी कहाँ है? हाँ सब रिकॉर्ड है, सुना देंगे। गाली बकी है, अभी तुमने खाली कमी है। हम लोग की शराफत देखी, तुम खैराबाद ना हो ना हो, लेकिन अगर हमें बहन की आंख में आंसू आए तो शादा तुम सोच लेना इसका अंजाम। आप जो आप जितना कुछ कर पाए आप कर लीजिए। मैंने कुछ नहीं किया है। मैं अपना यहाँ काम धंधा छोड़ के मैंने क्या क्या मैंने क्या कर दिया? तुमने कमीना पर सिखाया था, उसका कमीना बन गया। आपकी लैंग्वेज बता रही है कौन कमीना है। मेरे भाई के ऊपर तुम कल में मत पड़ो। 30 साल में तुम अपने भाई को खा गई हो। हाँ, किसने खा लिया? शौहर सबको खा गई हो। हाँ, किसने खा लिया? बड़े वो भी मर जाए। हाँ, किसने खा लिया? तुम लोग तुमने अपने शौहर तक को खा लिया है। हाँ, हमने खा लिया। हमने सुना है, तुम्हारे घर वालों ने ये बताया है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे शौहर को अटैक पड़ा है। तुम्हारे घर वालों ने बताया, तुम्हारी बहनों ने बताया, तुम्हारे भांजो सब सबने बताया है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे घर वालों ने क्या अटैक पड़ा है तुम्हारे शौहर को। अपनी लैंग्वेज संभाल के बात करना, लेकिन मुझे भी आने में टाइम नहीं लगेगा। अपनी लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज संभाल लेना। बदतमीजी से बात मत करना। तो ये थी दोस्तों वो लास्ट ऑडियो रिकॉर्डिंग जो हम लोगों ने कर ली थी। एज अ सेफ्टी पर्पज हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी थी। हालांकि कुछ बातें इसमें ऐसी थी जो हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए, बट वो कहीं गई हैं। और फ्यूचर में जो कुछ भी होता है वो भी हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे, बिकॉज ये धमकी है, खुला डेथ, बिल्कुल डेथ थ्रेट है, बिल्कुल डेथ थ्रेट है ये। तो ये तीनों शख्स से बात हमारी पूरी हो जाती है और ये तीनों ही काफ़ी खतरनाक बात नॉर्मल तरीके से करी जा सकती थी। बिल्कुल ऐसी कोई मेजर बात नहीं है, मेजर बात नहीं है। इसी वजह से ये वीडियो हमें बनाना पड़ रहा है और आप तक ये सारी चीज़ें मैं पहुँचा रहा हूँ।
आप सभी लोग हमारे रिलेटिव ये वीडियो देखते हैं, ये वीडियो देखिए, उसके बाद आप जो डिसीज़न लेना चाहते हैं लीजिए, और आगे जो कुछ भी होगा हमारी लाइफ में, अच्छा होगा या बुरा होगा, वो सब हम आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, ये जो तीनों ही लोग थे, इन्होंने बाकी हमारे ख़ानदान के लोगों को इन्वॉल्व करा ताकि हम बाकी लोगों से भी बदजन हो जाएं और उनसे भी हमारी एक तरीके से लड़ाई स्टार्ट हो जाए। बट क्लियर है कि इनकी बात का कोई भरोसा नहीं है, इनका कोई दीन ईमान नहीं है, ये अपनी बात से पलटने वाले लोग हैं। और यहाँ पे हमारी खालाएं और पता नहीं कितने लोगों का इन्होंने नाम लिया है बीच में। नहीं, अगर कुछ किसी ने आप जी आप बता रहे हैं कि किसी ने आपसे कुछ ऐसा कहा था जी, तो उस टाइम पे आप बता सकते थे हमको? बिल्कुल। आज क्यों आ गया ऐसा टाइम कि आज आप हमको बता रहे हैं? और बहुत पुरानी पुरानी बातें उन्होंने, पुरानी बातें हमारे अब्बा की डेथ को वो निकाल के ले आए कि उस टाइम पे खुशियां मनाई गई, और ये सारी बातें बहुत गलत हैं। वालिदा ने हमारे, बिल्कुल हमारे जो वाली साहब है उनको मारा है, मारा है, ऐसी जबान, ऐसी जबान इस्तेमाल की है इस शख्स ने, ऐसी। ये थे मोनी जमीर, बिल्कुल ये जो लफ्ज इस्तेमाल हुए ये स्पेशली मोनी जमीर ने इस्तेमाल किए हैं। तो फेसबुक प्रोफाइल आपने देख लिया, ये शख्स कैसा है, कैसी इसकी जबान है, यहाँ से आपको एक आइडिया मिल गया। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, इस वीडियो का मकसद यही था कि आप तक सच बात पहुँचे, और इनकी असलियत मैं दिखाना चाहता था कि जो पूरे ख़ानदान में इनको बहुत पाक समझा जाता है, बहुत शरीफ लोग हैं, बहुत शराफत है, तो सारी शराफत का पर्दाफाश हो गया इस ऑडियो रिकॉर्डिंग के अंदर। और जब हमने जिक्र किया ऑडियो रिकॉर्डिंग का बातचीत के दौरान, तब इन लोगों की टोन में फ़र्क हमें दिखाई दिया। जब भाई ने जैसे ही कहा कि आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, बदल गया थोड़ा सा। इनका टोन फौरन वहाँ से चेंज हुआ कि हाँ आप कर लीजिए रिकॉर्डिंग, हमें कोई फ़र्क नहीं। तब ये आप पे आ गए, उससे पहले तो इनकी ज़बान क्या थी वो आपने सुनी है, तब आपने सुना है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी दोस्तों, यहाँ पे हमने सारी चीज़ें आपको बताई हैं। ये कुर्सी रोड पे रहते हैं ये लोग, एक का नाम मोनिसा और बाकी क्या नाम है आप लोगों ने देख लिया है, और आप लोग कुछ जानते भी होंगे इनको, इनको शायद आप लोग जानते भी हों, ये कुर्सी के रहने वाले हैं, देखते हैं तो जानते ही, क्योंकि खानदान बहुत बड़ा है। नहीं, ये जो बात उन्होंने हमको जो धमकी दी, ये तो कोई बताने वाला नहीं है। धमकी तो खैर कोई बताएगा नहीं, ये जो उधर उधर की बातें हैं घूम घूम के जो उधर उधर कर रहे हैं वो तो सब बता देंगे, बिल्कुल। लेकिन ये जो इस तरह से ये जो रिकॉर्डिंग है, ये किस तक पहुंचेगी, ये कौन बताएगा, ये कौन बताएगा कि इन्होंने हमारे लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया, कुछ नहीं बताएगा कोई। जी हाँ, बाकी दोस्तों आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोग क्या सोचते हैं इन लोगों के बारे में जिनकी आपने आवाज़ें सुनी हैं, और कुछ फ़ोटो जिनकी मेरे पास थी वो मैंने आपको दिखा दिए ताकि आप लोग जान जाएं कि कौन है वो शख्स जो हम लोगों से इस तरीके से बात कर रहे थे और धमकियां दे रहे थे, खुलेआम धमकी दे रहे थे कि दिल्ली आकर के आपको बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं, और अभी तक आपने हमारी शराफत देखी है, गुंडागर्दी नहीं देखी है, तो ये पूरा एक तरीके से गुंडागर्दी दिखाना चाह रहे हैं हमको। तो हमने भी कहा कि आप दिखा लीजिए, जो कर सकते हैं जो कर सकते हैं, हमारे साथ हमारी जनता है और जनता ही काफ़ी है हमारे साथ, हम अकेले ज़रूर, लेकिन हमारे साथ ये जो आपकी मोहब्बतें हैं, आपका जो प्यार है, ये साथ है, और यही काफ़ी है हमारे लिए आपसे मुकाबला करने के लिए।